हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो बुद्धिज्म की जो फिलोसफी है, बुद्धिस्ट फिलोसफी, उसको डिस्कस करेंगे। ये हेटरोडॉक्स स्कूल्स जो है उनके अंदर आ जाएंगे, या अनऑर्थोडॉक्स स्कूल बोल लीजिए, उनके अंदर आएंगे। सो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी की जब हम बात करें, और स्पेशली जब हम यूजीसी नेट एजुकेशन के सिलेबस की बात करें, सो उसमें सबसे पहले मेंशन है सांख्य फिलोसफी, दूसरे नंबर पर मेंशन है योग फिलोसफी, तीसरे नंबर पर है वेदांत फिलोसफी। ये तीनों फिलोसफीज जो मैं अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर नहीं देखी है तो वीडियो देखिए लीजिएगा। आज जो है हम बात करेंगे बुद्धिस्ट फिलोसफी की, और फिर हमारे पास जो है इंडियन फिलोसफी में से सिर्फ एक बच जाएगी, वो क्या है, बुद्धिज्म के बाद जैनिज्म फिलोसफी, जैन फिलोसफी। ठीक है, सो अगर आपको इतना ना समझ आया हो जो भी फिलोसफीज डिस्कस हुई हैं, तो पूछ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। बुद्धिज्म फिलोसफी थोड़ी सी शायद और लंबी हो सकती है वेदांता फिलोसफी से भी, क्योंकि इसमें चीजें बहुत हैं डिस्कस करने के लिए। ऑल्दो जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम है वो वीडियो, और जो बुद्धिस्ट के जो स्कूल्स हैं, हिनायाना महायाना मेजर स्कूल, प्लस जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, उनके ऊपर मैं दो वीडियो, मतलब कंक्लूजन ये है कि दो वीडियोज ऑलरेडी बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट एजुकेशन पे डली हुई हैं, वो प्लस ये तीसरी जो बुद्धिज्म फिलोसफी डिस्कस करेंगे। सो ये तीन वीडियोस मिला के आपका बुद्धिज्म ऐसे कंप्लीट कर देंगे कि इससे बाहर फिर चीजें नहीं दिखेंगी आपको, और आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है जी, सो अब हम शुरू करते हैं बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की अगर हम बात करें, सो गौतम बुद्ध जो है उन वो प्रोफाउंडर माने जाते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध, वैसे तो सिद्धार्थ नाम था इनका, और ये एक राजा के जो है प्रिंस बेटे हुआ करते थे, राजकुमार थे। और वहां से इन्होंने एक बार ये महल से बाहर निकले, और वहां से उन्होंने चीजें देखी, दुख देखे लोगों की, क्योंकि इनकी लाइफ में तो कोई दुख नहीं था ना। सो जब इन्होंने लोगों की लाइफ में दुख देखे, तब इनको पता चला कि दुख भी नाम की भी चीज होती है, और फिर इन्होंने ये चीज सोचनी शुरू की कि कैसे जो है इंसान जो है दुखों से निजात पाए, यानी कैसे दुख जो है कम हो, या क्या ये जो सफरिंग्स हो रही है, दुख हो रहे हैं, कैसे इनसे जो है इनका निरोध किया जाए, कैसे इनका सोल्यूशन निकाला जाए। सो गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं उनके ऊपर ही बेस्ड है बुद्धिज्म फिलोसफी। इट गिव मीनिंगफुल इंसाइट्स अबाउट रियालिटी एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस। सो रियालिटी और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के से रिलेटेड मीनिंगफुल चीजें ये बताती हैं। एक चीज और जो ध्यान रख सकते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो है कि जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर हैं, उन्होंने एक चीज बोली थी कि मैं जो है पैदा तो हिंदू की तरह हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। ठीक है, तो ये बहुत फेमस बात है छोटी सी। सो उन्होंने फिर घुमा फिरा के लास्ट में क्या डिसाइड किया था, उन्होंने बुद्धिज्म जो है वो ज्वाइन किया था, क्योंकि बुद्धिज्म किसकी बात करता है, इक्वालिटी की, सेक्युलरिज्म की बात करता है। सो बुद्धा वॉज प्राइमरीली एन एथिकल टीचर रादर देन फिलोसोफर। सो फिलोसोफर नहीं माने जा सकते बुद्धा ज्यादा, क्योंकि वो एक एथिकल टीचर की तरह बिहेव करते थे, मतलब उनको उन्होंने जो चीजें सीखी थी तप करके लाइफ से, वो फिर वो दूसरों में बांटने की कोशिश करते थे, मिडल पाथ या नोबल ट्रुथ, वो सारी चीजों को, ये क्या वही चीजें जो इनकी हैं, कि जो आठ नोबल पाथ हैं या जो चार नोबल ट्रुथ हैं, वो सारी चीजें क्या हैं, इनकी फिलोसफी में इंक्लूड की जाती हैं, क्योंकि वो सारी चीजें इन्होंने फॉलो की थी, और वही फॉलो करने की जो है हिदायत ये बाकी सबको देते थे। सो सेंट्रल कंसर्न क्या था उनका, टू शो मैन द वे आउट ऑफ सफरिंग, कि कैसे आप सफरिंग से बाहर निकलेंगे। उनका कोई ऐसा मोटो नहीं था कि वो फिलोसॉफिकल थियरी जो है डेवलप करेंगे, बल्कि उनका ये था कि कैसे जो है इंसान सफरिंग से बाहर निकले, सफरिंग से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। ठीक है, सो बुद्धा की जो टीचिंग है उनका काफी एम्फेसिस आपको दिखेगा उनका किस पे, प्रैक्टिकल मैटर्स पे, कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है जी, उसके अलावा अगर प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म की बात करें, तो सबसे पहले आते हैं फोर नोबल ट्रुथ। तो नोबल ट्रुथ को आर्य सत्य भी बोला जाता है, और ये नोबल ट्रुथ क्या है, ट्रुथ ऑफ सफरिंग, जिसको दुख बोलते हैं, कि दुख का क्या, ये दुख सबके साथ है। ठीक है, सो लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, तो सबके पास दुख है, दुख का कारण क्या होगा, यानी ओरिजिन क्या है, ट्रुथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग। जो तो दुख समुदाय भी बोला जाता है, तो वो क्या है, सफरिंग का कारण है, और सफरिंग का कारण ये मेन किस चीज को मानते हैं, डिजायर को, तृष्णा को मानते हैं, तन्हा भी बोल देते हैं कई जगह। सो तृष्णा जो है वो रीजन रहेगा सबकी सफरिंग्स का, दुखों का। अब उन दुखों से निजात कैसे पाई जाए, यानी ट्रुथ ऑफ सेशेशन ऑफ सफरिंग, यानी दुख निरोध, उसको निरोध कैसे किया जाए, उसको हटाया कैसे जाए, क्या रास्ता है। फिर वो जो रास्ता है, पाथ टू द सेशेशन ऑफ सफरिंग, दुख निरोध मार्ग, सो दुख का निरोध निकालने के लिए जो रास्ता है वो क्या है, एट नोबल पाथ्स हैं।
ठीक है। सो फर्स्ट जो ये ट्रुथ ऑफ सफरिंग है, इसमें बुद्धिज्म क्या रिकॉग्नाइज करता है, तीन लेवल रिकॉग्नाइज करता है, दुख, दुखटा, सफरिंग जो कि हमें एक्सपीरियंस करते हैं हम डेली लाइफ में, जैसे जीवन मरण, बीमार हो जाना, बुढ़ापा आना, ठीक है, डिस या कुछ और दिक्कत हो जाना, या पेन होना, डिजायर होना, ये सारी सफरिंग्स क्या है जो कि डेली लाइफ में एक्सपीरियंसेस की वजह से है, वो है दुख दुखटा। समकारा दुखटा यानी सफरिंग कॉज्ड बाय इंटरनल मेंटल कंडीशंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द सेंस ऑर्गन। सो जो इंटरनल मेंटल कंडीशंस की वजह से या सेंस ऑर्गन की एक्टिविटी की वजह से जो दुख निकल के आएंगे उनको हम समकारा दुखटा बोलेंगे। विपरिणामा दुखटा यानी कि द सफरिंग कॉज्ड बाय इम्परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो ये एक और इनकी डॉक्ट्राइन भी हम पढ़ेंगे, इम्परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, की कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, ठीक है, और क्या रिलेशनशिप है उसका। तो उन चीजों से रिलेटेड यानी जो इम्परमानेंस है ऑब्जेक्ट्स की, उनकी वजह से जो दुख झेलने पड़ते हैं वो है विपरिणामा दुखटा। तो ये फर्स्ट ट्रुथ हो गया कॉज, ये सफरिंग कि सबके पास है, दुख सबके पास है। दूसरा था कॉज ऑफ सफरिंग कि क्या कारण रहेगा। सो उसके लिए 12 causes जो है वो इन्होंने बताए, 12 causes and effects, जो कि किसमें माने जाते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, जिसको प्रतित्य समुत्पादा भी बोलते हैं, समुत्पद, ठीक है। सो जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है उसी से और भी डॉक्ट्राइन ये इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो निकल के आते हैं। अगर हम तीसरे नोबल ट्रुथ की बात करें तो उनका क्या था कि ये तो हमने बता दिया कि दुखों का कारण क्या है, डिजायर है, और वो इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन में और डिटेल में दिख जाएगा। फिर है डिजायर हैज टू बी एक्सटिंग्विश्ड टू स्टॉप सफरिंग। सो अब उस डिजायर को हटाना पड़ेगा। सो जब उस वो डिजायर हट जाती है तो उस स्टेज को क्या बोलेंगे हम, निर्वाणा, और यही इनकी लास्ट अंतिम स्टेज होती है जिसमें आप लिब्रेशन जो है अटेन कर लेते हैं। लेकिन ये निर्वाणा कैसे मिलेगी, रास्ता क्या है इस निर्वाणा तक पहुंचने का, वो क्या है, हमारे 8 noble paths हैं। हमें एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना है और मिडल पाथ को फॉलो करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है उन सारी चीजों की, ठीक है जी। सो एक बार ये देखते हैं, ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन आपको दिख रहा है ये क्या है, ठीक है। सो इनको ये जो 12 causes हमने बताए, ये साइकिल ऑफ 12 such causes, इसको भाव चक्र भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है उससे जो और डॉक्ट्राइन निकली है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, थियरी ऑफ मोमेंटेरियस यानी मोमेंट के लिए होती हैं चीजें, और थियरी ऑफ नॉन सोल। इन तीनों के बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। अब ये जो 12 causes हैं या जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है, ये है क्या, इसको प्रतित्य समुत्पदा भी बोलते हैं, मिडल पाथ है ये, किसके बीच का, सस्वत्ववाद और उच्छेदवाद का। तो सस्वत्ववाद मतलब प्रिंसिपल ऑफ इटर्निटी और उच्छेदवाद मतलब प्रिंसिपल ऑफ एनिहिलेशन। अब ये दोनों प्रिंसिपल कहते क्या हैं, तो सस्वत्ववाद क्या कहता है कि सम थिंग्स आर इटर्नल, कि उनका कोई कारण नहीं है, इंडिपेंडेंट है और वो हर चीज से परे हैं, मतलब कल को प्रलय भी आ जाए तो भी वो चीजें रहेंगी, ऐसा सस्वत्ववाद का कहना है। लेकिन उच्छेदवाद का कहना है कि कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब जब चीज डिस्ट्रक्ट हो जाती है, प्रलय आ जाती है, उसके बाद कुछ नहीं बचता और कोई ऐसी इटर्नल वाली चीज है नहीं। सो ये दो एक्सट्रीम हो गए, एक तो बोल रहे हैं कि कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है और दूसरे बोल रहे हैं नहीं करती। अब मिडल पाथ में ये जो प्रतित्य समुत्पद क्या बोलते हैं कि चीजें एग्जिस्ट करती हैं, यानी थिंग्स के पास एग्जिस्टेंस है लेकिन वो इटर्नल नहीं है या और ना ही वो कंप्लीटली एनहिलेटेड है, ठीक है। सो ये उन दोनों के बीच की बात करते हैं। सो ये वर्ड याद रखिएगा, प्रतित्य समुत्पद। अब ये जो 12 की 12 सफरिंग के जो रीजन हम बता रहे हैं, ठीक है, इस डॉक्ट्राइन के अंडर, उसमें तीन चीजें आपको देखने मिलेंगी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। इग्नोरेंस और प्रेडिस्पोजिशन को ये पास्ट की चीजें मानते हैं, कॉन्शियसनेस, नेम एंड फॉर्म, सेंस ऑर्गन, कॉन्टैक्ट, फीलिंग एंड सेंसेशन, क्रेविंग, अटैचमेंट, ये सारी चीजों को ये प्रेजेंट की चीजें मानते हैं। और इन प्रेजेंट की चीजों की मतलब पास्ट की वजह से ये प्रेजेंट की चीजें हो रही हैं और इन प्रेजेंट वाली चीजों की वजह से कल को फ्यूचर में भी चीजें होंगी, जो कि बिकमिंग, बर्थ और ओल्ड एज और डेथ की बात करती है, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है सबका, अगर हम इग्नोरेंस की बात करें, अविद्या जिसको बोल रहे हैं, ये किसकी वजह से होगी, डिजायर की वजह से होगी। फिर इग्नोरेंस की वजह से हमारा सेकंड पार्ट, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है ये जो 12 causes हमने बताए हैं ना, फर्स्ट से लेके 12th तक आप कॉन्टिन्यूटी में ध्यान रखेंगे इनको। सो इग्नोरेंस की वजह से, किसकी वजह से होगी इग्नोरेंस, डिजायर, इट इज सबस्ट्रेटम ऑफ एक्शन एंड द बेसिस ऑफ ईगो,
इग्नोरेंस कॉज इज द इंडिविजुअल टू थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज अ सेपरेट फ्रॉम एंटायर वर्ल्ड. सो जब आप इग्नोर कर देते हैं चीजों को और सिर्फ खुद पे फोकस करते हैं दूसरों की बजाय, मतलब पूरे एंटायर वर्ल्ड से आप अपने आप को अलग मानते हैं, सो उसकी वजह से इग्नोरेंस बोला जाता है. दिस लेड टू अटैचमेंट टू द लाइफ दस टू सफरिंग. सो ये लाइफ से अटैचमेंट हो जाएगी, आप ऐसे क्लिंग करके रह जाएंगे, जो हमारे आगे के जो ये 12 के 12 कॉजेज हैं उनमें आएगा भी. सो उसकी वजह से फिर हमें क्या होगी, सफरिंग होगी. प्रीडिस्पोजिशन यानी संस्कार जो कि इग्नोरेंस की वजह से होंगी, ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय इग्नोरेंस. इसका मतलब क्या होता है कि ए डिस्पोजिशन प्रिसीडिंग टू और प्रिपेयरिंग टू सर्टेन एक्टिविटीज, यानी किसी पर्टिकुलर चीज के लिए प्रिपेयर करना वाली, ठीक है, तो वो प्रीडिस्पोजिशन होगी पहले. ऑल्सो इट कैन बी अंडरस्टूड एज द एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड ऑफ पास्ट कर्मा, कि पास्ट के, इसीलिए तो इन दोनों इग्नोरेंस और प्रीडिस्पोजिशन को हम पास्ट की से रिलेट करते हैं. सो ये पास्ट के कर्मा का भी, जो आपने काम कुम किए हैं पहले उनकी वजह से भी हो सकता है ये. इसको फैब्रिकेशन भी बोला जाता है, और तीन टाइप के फैब्रिकेशन की बुद्धिज्म बात करता है. एक है बॉडीली, और एक है वर्बल, और तीसरा है मेंटल फैब्रिकेशन, ठीक है जी. तो पूरी बॉडी से बोल के और मेंटली, तो ये तीन फैब्रिकेशन आप याद रखेंगे. अगर कॉन्शियसनेस की बात करें तो प्रीडिस्पोजिशन से फिर कॉन्शियसनेस निकल के आएगा, और 6 टाइप की कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग, बॉडी और इंटेलेक्ट कॉन्शियसनेस, ठीक है. अब कॉन्शियसनेस की वजह से एक नाम और एक फॉर्म होगा, यानी नाम रूप, फॉर्म मतलब रूप होता है ना. सो ये एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि माँ की गर्भ में, कोख में होता है. सो वो किसकी वजह से होगा, कॉन्शियसनेस की वजह से. अब नेम और फॉर्म की वजह से सेंस ऑर्गन्स डेवलप होंगे, ये किसकी वजह से, और ये 6 सेंस ऑर्गन की बात करते हैं 5 की बजाय, आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन और माइंड, तो माइंड इंक्लूड किया गया है इसमें. फिर 6ठा कोज आता है कॉन्टैक्ट, यानी जब आप इंजॉय करने लग जाते हैं, तो वो सेंसेस की वजह से होगा कि आपको फीलिंग ऑफ प्लेजर हो रही है, अच्छा फील हो रहा है. सो वो कॉन्टैक्ट की वजह से, जब आप ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आएंगे और इंजॉय करेंगे उन चीजों को, सो वो क्या वो किस वजह से हो रहा है, कॉन्टैक्ट की वजह से, ठीक है जी. फिर अगर हम 7th की बात करें तो फीलिंग और सेंसेशन, अगर ये कॉन्टैक्ट, अगर किसी चीज में कॉन्टैक्ट में आप आ रहे हैं, तो एक तरह की फीलिंग या सेंसेशन आप में डेवलप होगी. उसमें भी ये 6 तरीके की सेंसेशन की बात करते हैं, 6 फॉर्म्स की बात करते हैं. विजन, देखना, हियरिंग, सुनना, ओल्फैक्ट्री, फील करना नाक से सूंघ के, ठीक है, सेंसेशन. फिर है गस्टेटरी सेंसेशन, टेक्टाइल सेंसेशन, इंटेलेक्चुअल सेंसेशन. तो ये 6 तरीके की सेंसेशन भी आप याद रखेंगे. क्रेविंग की अगर हम बात करें, 8th, अगर फील हो रही है आपको कुछ चीजें, तो आप क्रेव करेंगे, डिजायर होगी आपको चीजों को, आपको एक भूख होगी कि आप एंजॉय कर पाए, एक अच्छा लाइफ स्टाइल हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है. फिर आता है अटैचमेंट, और उस वजह से वो जो डिजायर हो रही है ना, उस वजह से आप ऐसे क्लिंग करके अटैच हो जाएंगे चीजों से. अब वो अटैचमेंट किसी से भी हो सकती है, ठीक है. और ये 4 तरीके की अटैचमेंट की या क्लिंगीनेस की बात करते हैं. एक है सेंशुअल क्लिंगिंग, व्यू क्लिंगिंग, प्रैक्टिस क्लिंगिंग और सेल्फ क्लिंगिंग. सो ये भी याद रख लीजिएगा. फिर आता है 10th, बिकमिंग या भाव. इट इज द विल टू बी बोर्न कॉज्ड बाई क्लिंगिंग और अटैचमेंट. सो क्लिंगिंग और जो एक अटैचमेंट हो गई, उसकी वजह से आपके अंदर ये बिकमिंगनेस की जो है वो फीलिंग डेवलप होगी. इट इंक्लूड्स थॉट एंड एक्शंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीबर्थ. और ये 3 तरीके की बिकमिंग की बात होगी यहाँ भी, सेंशुअल बिकमिंग, फॉर्म बिकमिंग और फॉर्मलेस बिकमिंग, ठीक है. अब जो ये 10th, 11th, 12th है ना, ये किससे रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है, क्योंकि रीबर्थ की बात हो गई यहाँ पे. सो बर्थ, रीबर्थ, ओल्ड एज, इन सब चीजों की बात फ्यूचर वाली चीजों में होगी. सो बर्थ हो या रीबर्थ हो, किसकी वजह से होगा, बिकमिंग की वजह से, जो हमारा 10th कॉज था. जीव इज कॉट अप इन द व्हील ऑफ वर्ल्ड एंड रिमेन्स इन इट टिल इट अटेन्स निर्वाणा. तो जब तक आप निर्वाणा अटेन नहीं कर लेते, जब आपका रीबर्थ नहीं होता, तब तक आप क्या है, इसी साइकिल में जो है वो फंसे रहते हैं. इट रेफर्स नॉट जस्ट टू बर्थ एट द बिगनिंग ऑफ लाइफ टाइम. ये सिर्फ जो पैदा होने वाला बर्थ है उसकी बात नहीं हो रही है, ये एक नए पर्सन की बात भी हो रही है. मान लीजिए आप में कुछ चेंजेस आए हैं, आप रोज बदल रहे हैं, या आपको कोई पोजिशन मिल गई, उस वजह से जो चेंजेस आए, तो वो भी एक तरीके से आपका नया जन्म ही माना जाएगा. सो वो भी बर्थ के अंदर इंक्लूड किया जाएगा. ओल्ड एज और डेथ जो है वो बर्थ से, क्योंकि आप पैदा हुए तभी तो आप बूढ़े होंगे, तभी आपकी डेथ होगी. सो वो किससे, कॉज्ड बाय बर्थ. रीबर्थ कॉजेज द होल चेन ऑफ वर्ल्डली सफरिंग. मतलब आपकी डेथ हो गई, उसके बाद जब आप दोबारा से जन्म लेंगे, तो वापस से यही सारी चीजें जो 1 से लेके 12 तक है वो साइकिल शुरू हो जाएगी, ठीक है. सो आफ्टर अ मैन इज कॉट इन द व्हील ऑफ वर्ल्ड, तो डिजीज हो, ओल्ड एज हो, सफरिंग हो, डेथ हो, ये सारी की सारी चीजें होंगी.
तो ये 12 जो है क्या है, कॉजेज हैं, और ये जो ओरिजिन, डॉक्ट्राइन ऑफ ओरिजिनेशन थी, इसी से रिलेटेड फिर बाद में चीजें निकल के आती हैं, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंटेरीनेस। इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज मोमेंटरी, रिलेटिव है, कंडीशनल है, डिपेंडेंट है, कोई भी चीज इंडिपेंडेंट नहीं है, और ये इम्परमानेंट तो है ही। मतलब बुद्धिज्म क्या चीजें बताता है कि वर्ल्ड जो है और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो परमानेंट नहीं है, उसके साथ साथ वो मोमेंटरी है, यानी कुछ पल के लिए होते हैं। मान लो आपको खुशी हो रही है किसी चीज की वजह से, तो वो खुशी कुछ पल की है, उसके बाद वो चीजें ऐसे चेंज हो जाएंगी। सो यूनिवर्स इज अ कॉन्स्टेंट चेन ऑफ चेंज। सो चेंज जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हर जगह। This doctrine is ultimate to dissuade people from placing confidence in the world and persuade them to renounce it for the permanent status of nirvana. So nirvana की तरफ जो है ये attract करती हैं चीजें, ये जो doctrine है specifically, ये बताते हुए कि आपको सब कुछ world को ही नहीं मान लेना है, वो momentary है। दो extremes जो होते हैं eternalism का या nihilism का, जो हमने इससे पहले वाली में भी बात की कि middle path को जो है Buddhism की जो doctrine है वो follow करेंगी। So ये भी दो extreme को जो है वो अवॉइड करती हैं। मिडिल पाथ है ये, जहां पे वर्ल्ड जो है ना तो बीइंग है ना ही नॉन बीइंग है, ठीक है, इट्स लाइक ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, ना सेल्फ है ना नॉन सेल्फ, ऐसे वाली चीज। ऑफ दीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट, यानी ये जो चीज है, ये मोमेंट्री वाली जो चीज है कि चीजें परमानेंट नहीं होती बल्कि मोमेंट्री होती हैं, उसके लिए इनके जो आर्ग्यूमेंट है उनमें सबसे फेमस है अर्थ कर्य करित्र, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट क्या बोलता है कि पावर ऑफ जनरेटिंग एक्शन, यानी कोई भी चीज जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है उसकी एग्जिस्टेंस है, जब वो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी एक चीज एक ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, वन थिंग कैन प्रोड्यूस ओनली वन इफेक्ट। So, ये डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंट्रीनेस है, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ इम्परमानेंस बोल देते हैं, अनित्यवाद बोल देते हैं, या क्षणिकवाद भी बोल देते हैं। क्षणिक मतलब कुछ क्षण के लिए है ये, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, द लॉ ऑफ कर्मा इज दैट एवरी इवेंट प्रोड्यूसेस इट्स इफेक्ट व्हेन इन टर्न बिकम्स कॉज फॉर अदर इफेक्ट जनरेटिंग द कार्मिक चेन, यानी एक कर्मों की चेन हो जाती है, यानी कोई काम कारण हुआ उसकी वजह से कोई इफेक्ट निकल के आया, उस इफेक्ट से फिर फर्दर वो इफेक्ट किसी के लिए कारण बना और कुछ और निकल के आया। अब छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझ लीजिए, जैसे मिल्क होता है, मिल्क से क्या बनी, कर्ड बनी, ठीक है, कर्ड से मैंने छाछ बना दी, लस्सी बना दी, ठीक है। सो ये जो मिल्क है ये कॉज था, कर्ड जो है वो इफेक्ट था, एक मोमेंट के लिए था। कर्ड से फिर जब छाछ बनी तो कर्ड कॉज हो गया और छाछ इफेक्ट हो गई। सो ये क्या है, इससे फिर एक चेन सी बन जाएगी। ये आप रियल लाइफ में लगा के देख लीजिए, वही चीज का क्या ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन जो है वो कार्मिक इंप्रेशंस को पास्ट एग्जिस्टेंस और रीबर्थ से ज्वाइन करती है। यानी जो हमने 12 चीजें पढ़ी, पहली दो वाली जो पास्ट से रिलेटेड थी, फिर प्रेजेंट से रिलेटेड, और लास्ट 3 जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड। तो ये कार्मिक चेन को जो है एक तरीके से साइकिल बनाते हैं, डिसाइड मतलब ऐसे कनेक्टिंग डॉट्स आपको दिखेंगे, लिंक्स दिखेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन सोल, जिसको अनत्व भी बोलते हैं। सो बुद्धा क्या एनालाइज करते हैं कि मैन जो है वो 5 ग्रुप से बना, जिसको हम सकंद बोलते हैं, सकंद्स, नेमली एक फॉर्म यानी रूप जो मैटर होगा, एक फीलिंग, अब वो प्लेजेंट हो सकती है, अनप्लेजेंट हो सकती है, न्यूट्रल हो सकती है। थर्ड है परसेप्शन, किसी भी चीज को लेके इम्पल्सिस, जो इम्पल्सिस होंगे चाहे वो फीलिंग हो, हेट हो, ग्रीड हो, कुछ भी हो, और कॉन्शियसनेस। अब इनका ये मानना है कि ये जो सकंद है, ये जो 5 चीजें हैं, इनसे ऊपर कोई भी सेल्फ नहीं होता। सो कोई भी काम अगर मैन कर रहा है या सोच रहा है, सो वो इन 5 में से ही किसी ना किसी कैटेगरी में आएगा, ऐसा इनका बोलना है। सो क्या हम ये बोल सकते हैं कि बुद्धा ऐसे बोल रहे हैं कि मैन जो है एक सेल्फ की तरह, एक सोल की तरह एग्जिस्ट ही नहीं करता? तो नहीं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि बुद्धा क्या डिनाई कर रहा है, वो ये डिनाई कर रहे हैं कि ये जो सकंद है, जो हमने 5 चीजें पढ़ी, फॉर्म, फीलिंग, परसेप्शन, इंपल्सेस और कॉन्शियसनेस, इन 5 से ऊपर उठ के कोई सेल्फ नहीं है। इन्हीं के अंदर या सेल्फ का यही मतलब लगा लीजिए, यही है, इससे ऊपर उठ के कोई सेल्फ या परमानेंट चीज या सोल नहीं है, जो कि परमानेंट हो या चेंज ही ना होती हो, अनचेंजिंग हो, इटर्नल हो, ठीक है। सो बुद्धा एक्नॉलेज करते हैं चेंजिंग सेल्फ की बात करते हैं, और ये रिजेक्ट करते हैं अनचेंजिंग और सब्सटेंशियल सेल्फ को। सो चेंज होती रहती है चीजें, तो ये चेंजिंग सेल्फ की बात करते हैं, और ये सेल्फ जो है वो सकंद के अंदर ही इंक्लूड हो गया, सकंद से ऊपर उठ के कोई भी सेल्फ नहीं है।
अब ये आठ फोल्ड पाथ जो कि निर्वाणा की तरफ आपको लेके जाएंगे, लिबरेशन की तरफ आपको लेके जाएंगे, वो ये आठ फोल्ड पाथ हैं। राइट व्यू, साम्यक दृष्टि, तो हिंदी और इंग्लिश में नाम याद रखेंगे। राइट एस्पिरेशंस होनी चाहिए, आपकी स्पीच सही होना चाहिए, काम जो कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। लाइवलीहुड अच्छा होना चाहिए, मतलब सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाली बात। राइट एफर्ट होना चाहिए किसी काम के लिए, अवेयरनेस होनी चाहिए और एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। सो ये एट फोल्ड पाथ जो अटेन निर्वाणा को अटेन करने के लिए हैं, ये आप याद रखेंगे। इनको आप भूलने का रिस्क नहीं उठा सकते क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे। अब जो ये पहले दो थे, राइट व्यू और एस्पिरेशंस, इनको अगर मैं कंबाइन करके बोलूं तो ये नॉलेज और कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, उससे रिलेटेड है, इसलिए इन दोनों को मिला के प्रजना भी बोला जाता है, तो ये याद रखेंगे। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को अगर मिला देंगे तो सिला बोला जाएगा, यानी राइट स्पीच, सही करना और सही तरीके से जीना, क्योंकि ये करेक्ट और मॉरल राइट वे ऑफ लिविंग को फॉलो करते हैं, तो ये तीनों को मिला के सिला बोला जा सकता है। जो लास्ट थ्री है यानी राइट इफेक्ट, एफर्ट, अवेयरनेस और कंसंट्रेशन, इनको समाधि बोला जाएगा, कि आपने एक अच्छा एफर्ट लिया, अवेयर है और कंसंट्रेटेड है, क्योंकि ये मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन से डील करते हैं। सो ये जो तीन वर्ड है ना, समाधि, सिला और प्रजना, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो है नोबल पाथ कॉन्शियसनेस या नॉलेज से बिलीव मतलब कनेक्ट करता है। सो उसमें क्या आ गया, राइट व्यू और राइट रिजोल्व आ गए। कौन सा जो है करेक्ट और मोरल राइट वे ऑफ लिविंग की बात करता है, तो राइट स्पीच, कंडक्ट और राइट लाइवलीहुड आ गए। और ऐसे ही कौन सा मेडिटेशन की बात करता है, तो राइट एफर्ट, अवेयरनेस और कंसंट्रेशन, ये मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन में इंक्लूड किए जाएंगे। अब अगर हम बात करें स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म की, तो स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म मेजर तौर पे हिनायाना महायाना पढ़ते हैं, उनके अंदर फर्दर स्कूल्स हो सकते हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। और दूसरा है बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम और बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज। सो ये जो तीन चीजें मैंने आपको बताई, ये ऑलरेडी जो दो वीडियो डली हुई है, अगर आप डालेंगे यूट्यूब पे बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम बाय इनकलकेट लर्निंग, सो ये दोनों की दोनों टॉप टू में वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी, वहां से आप ये चीजें कवर करेंगे। क्योंकि अगर मैंने ये यहां पे रिपीट की, सो एक तो रिपीट हो जाएंगे और दूसरा वो मतलब टाइम वेस्ट वाली सिचुएशन होगी, सो आप वो देख लीजिएगा और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। अगर एजुकेशनल फिलोसफी की मोटे तौर पे बात कर लें, तो ये एजुकेशन फॉर ऑल की बात करते हैं, भेदभाव नहीं करते, सेक्युलर एजुकेशन है। और फर्स्ट टाइम था ये जब बुद्धिज्म डेवलप हुआ कि लार्ज स्केल पे इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया एजुकेशन को, और बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज ओपन हुई, जो मैंने ये स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म है उसके साथ कवर कर रखी है। एम्स ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, मॉरल वैल्यूज को फॉलो करना, जो बुद्धिस्ट रिलीजन में हमने नोबल पाथ और ये जो चार नोबल ट्रुथ बताए हैं उनको फॉलो करना, उनकी डॉक्ट्राइन को फॉलो करना, जो वैदिक कर्म कांड है उनको इरेडिकेट करना, उनसे छुटकारा पाना। एजुकेशन जो है वो जो मासेस की लैंग्वेज है, उस टाइम पे क्या थी, पाली लैंग्वेज थी, तो उसमें प्रोवाइड करना, कास्ट सिस्टम को गिव अप कर देना, एम्फेसाइज करना प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है क्या है, एजुकेशन में इंक्लूड होनी चाहिए, ये एम है एजुकेशन के। अगर डिसिप्लिन की बात करें, तो डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मतलब अष्टांग मार्ग को आप फॉलो करेंगे, जो हमने आठ जो बात की ना, एट नोबल पाथ की, तो उनको अष्टांग मार्ग भी बोला जाता है, सो उनको फॉलो करेंगे आप। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें, सो पॉजिटिविज्म पे फोकस करते हैं, टोटल डेवलपमेंट पर्सनैलिटी के, होलिस्टिक पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट की बात करते हैं, मॉरल डिसिप्लिन होना चाहिए, मैनुअल स्किल्स पे एम्फोसिस है ताकि आप अर्न भी कर सकें, डेवलपमेंट ऑफ गुड कंडक्ट की बात करते हैं, कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होगी, कॉस्मोपॉलिटन सेक्युलर है और हर जगह हर किसी को एजुकेशन मिल रही है और एथिकल है, ठीक है। और थोड़ी सी इंप्लीकेशंस की बात करें, सो ये वैल्यूज पे एम्फेसिस करते हैं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग या हाई ट्रेनिंग की बात करते हैं, मास एजुकेशन की बात करते हैं, हायर एजुकेशन को भी स्प्रेड किया जाना चाहिए, आर्ट और लिटरेचर का डेवलपमेंट होना चाहिए, स्ट्रेट पैट्रनेज की बात करते हैं, जैसे ब्राह्मणिकल सिस्टम में क्या था कि सिर्फ ब्राह्मणास को जो है देने की एजुकेशन देने की बात की गई थी, मतलब ब्राह्मण ही एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं, वही टीचर बनेंगे। सो ये स्टेट पैट्रनेज की बात की जा रही है, हायर स्टैंडर्ड जो है एजुकेशन के होने चाहिए, और एक आइडियल रिलेशनशिप जो है वो टीचर और यहाँ पे स्टूडेंट लगा लीजिए जिसको वो पढ़ा रहे हैं उनके बीच में होना चाहिए। दो टायर सिस्टम की ये बात करते हैं, एक होगा एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम, दूसरा होगा हायर एजुकेशन सिस्टम। अगर एलिमेंट्री में करिकुलम की बात करें, तो ये जो हेतु विद्या जिसको लॉजिक बोलते हैं, साइंस और रीजनिंग, फिलोसफी, आर्ट्स,
एंड क्राफ्ट्स और मेडिसिन, चिकित्सक विद्या। तो ये चीजें किसमें, वो एलिमेंट्री एजुकेशन के लेवल पे बात की गई है। और अगर हम करिकुलम में, हायर एजुकेशन में करिकुलम की बात करें तो थोड़ा सा और ब्रॉड हो जाएगा, जिसमें बुद्धिज्म, लॉजिक, हिंदुइज्म, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, एडमिनिस्ट्रेशन, मेटाफिजिक्स और तांत्रिक फिलोसफी को इंक्लूड किया जाएगा। सो ये हायर लेवल पे क्या हो गया, थोड़ी सी चीजें और ब्रॉड हो गई, एडवांस्ड हो गई। मेथड ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें तो अग्र शिष्य प्रणाली, यानी कि मॉनिटोरियल सिस्टम। मॉनिटोरियल सिस्टम का क्या मतलब होता है कि मान लो मैंने 8th क्लास पास कर ली या मैंने 8 साल पढ़ाई कर ली, तो मैं जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं, जिन लोगों ने अभी एडमिशन लिया है एजुकेशन में, उनको पढ़ा सकते हैं। सो आप क्या कर रहे हैं, शिष्यों को ही क्या कर रहे हैं, उनको एजुकेशन, दूसरों को एजुकेशन इंपार्ट करने में उनकी हेल्प ले रहे हैं। सो वो अग्र शिष्य प्रणाली हो गई। प्रीचिंग और कॉन्फ्रेंस मेथड रहेगा, और ट्रैवलिंग और नेचर स्टडी मेथड की, आप क्योंकि सीखते हैं ना, आप ट्रैवलिंग करते हैं तो भी आप चीजें सीखते हैं। सो वो मेथड ऑफ टीचिंग रहेगा कि आप कहीं पे जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, नेचर को दिखा रहे हैं, वो चीज बता रहे हैं, जिनको हम आज की डेट में क्या बोल देते हैं, एजुकेशनल टूर्स एंड ट्रिप्स बोल देते हैं। मोस्टली वर्बल ही होता है, जिसमें हम डिस्कशन और डिबेट्स को इंक्लूड करते हैं। वेदांता के टाइम पे भी मोस्टली वर्बल या ओरल चीजें थी, मौखिक रूप से पढ़ाया जाता था। टीचर का रोल अगर बोले तो आचार्य और उपाध्याय, दो तरीके के टीचर्स बोले जाते थे, मतलब स्टार्टिंग में आचार्य देन उपाध्याय वाली सिचुएशन। दोनों की दोनों टीचर और स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बुद्धिस्ट ऑर्डर को फॉलो करें और बाकी सारी चीजें जो है साथ मिलके करें। सो टीचर की काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी गई है। अगर सिंबल्स ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो कुछ एक सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उनको रिमाइंड करवाते हैं। जैसे एक मेन रूम होगा या एक जो बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग होती है, उसको श्राइन बोल देते हैं या बुद्धा का हॉल बोल देते हैं, ठीक है। उस रूम के फ्रंट में अगर हम देखेंगे तो एक अल्तार बना होगा, उस अल्तार के ऊपर भी बहुत सारी इमेजेस बनी होंगी अलग अलग तरीके की, वो किसमें इंक्लूड की जाती हैं, जो ये सिंबल्स हम बोल रहे हैं बुद्धिज्म के, उनमें। ट्रेडिशनल ऑफर, जो भी ट्रेडिशनल ऑफरिंग्स हैं वो भी किसी न किसी चीज से क्या करती हैं, सिंबल की तरह यूज की जाती हैं। जैसे फ्लावर्स जो यूज किए जाते हैं वो ये दिखाते हैं कि कितनी जल्दी जो है वो चीजें चेंज होती हैं, थोड़ी देर में मुरझा जाएंगे वो भी, ठीक है। सो लाइट्स फ्रॉम लैंप्स और कैंडल्स, जो ये चीजें वो विजडम को सिंबलाइज करती हैं। इंसेंस की बात करें तो वो पीसफुल लाइफ को रिमाइंड कराती हैं कि लाइफ जो है पीसफुली लीड कीजिए। वाटर की बात करें तो वो प्योरिटी को प्रेजेंट करता है। फूड की बात करें तो कि हमें हमारे बुद्धा को जो है वो बेस्ट देना है। धर्म इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे बेल, ड्रम्स, गोंग्स, सो ये चीजें क्या हैं, जैसे बेल है वो सिग्नल देते हैं कि हाँ सेरेमनी शुरू हो गई, या मेडिटेशन का सिग्नल। ड्रम्स जो है वो अनाउंस करते हैं सेरेमनी के लिए, या रिदम बना के रखते हैं। सेम जो है एक्टिविटीज को या सेरेमनीज को अनाउंस करते हैं गोंग, जो बड़ा घंटा बजता है। वुडन फिश जो है वो भी एक रिदम मेंटेन करके रखती है जब भी चैंटिंग हो रही होगी या मंत्र वगैरह बोले जा रहे होंगे। सो ये सिंबल्स हो गए। सो देखिए ओवरऑल जो भी मैंने बुद्धिज्म के बारे में बताया आपको, वो इस ये वीडियो प्लस बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम की जो वीडियो है, प्लस बुद्धिस्ट जो स्कूल ऑफ बुद्धिज्म और जो यूनिवर्सिटीज मैंने बता रखी हैं, सो ये तीन वीडियो जो है वो आप कर लेंगे तो आपका बुद्धिज्म फिलोसफी जो है वो कंप्लीटली कवर हो जाएगा। आई डोंट थिंक उसके बाद कुछ बचता है इसके अंदर स्पेशली, अगर बिल्कुल ही, क्योंकि ऐसे तो बुक्स हैं बुद्धिज्म पे, बट हमारे लिए इतना काफी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेसिस बनाते हुए, ठीक है जी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बुद्धिज्म स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। समझ आ गया है तो ये बता दीजिएगा कि समझ आ गया है, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट्स रियली, मतलब मैं खुद ऑलरेडी मोटिवेटेड हूँ वैसे तो, बट आपके कमेंट्स और मोटिवेट करते हैं कि चलिए कोई नहीं, अगर बैठे भी हैं कमेंट देख के लगता है कि चलो अगली वीडियो बनाई जाए, अगला टॉपिक पढ़ाया जाए, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग टू।